चंदोसी नगर के अशोक नगर स्थित आरजीएम पब्लिक विकलांग स्कूल में बसंत पंचमी के अवसर पर हवन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सपा की युवा नेत्री मोनी कुमारी के पति वरिष्ठ सपा नेता मोहम्मद तकीर मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके उन्हें प्रणाम किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों को उपहार भेंट किए और सभी के जीवन की खुशहाली के लिए मां सरस्वती से प्रार्थना की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यदि प्रदेश नेतृत्व उन्हें विधानसभा से उम्मीदवार बनाता है तो विधायक बनने के बाद वे विद्यालय को आर्थिक मदद प्रदान करेंगे और नन्हे मुन्ने बच्चों को आवास की सुविधा भी दी जाएगी। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी चंदोसी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। ये विकलांग बच्चों का कॉलेज है, शायद मुझे तो लग नहीं रहा कि संभल जिले में इसके अलावा कोई और कॉलेज हो। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी व्यवस्था है इनके यहाँ। हमें आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। अगर आगे मोनी कुमारी कुछ बनती हैं तो इस स्कूल की भी हम मदद करने का काम करेंगे। ये हमारा विद्यालय है, ये निःशुल्क सेवा वाला विद्यालय है और ये आप जैसे जो समाज सेवी हैं इन्हीं की मदद से ये विद्यालय चल रहा है। बच्चों की निःशुल्क सेवा रहती है और ये हमारे 5 साल से लेकर के और 15-16 साल तक के बच्चों का हम शिक्षण कार्य एवं आवासीय सुविधा, बच्चों का खान पान और बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित कंप्यूटर, लड़कियों को सिलाई कढ़ाई इत्यादि की व्यवस्था, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि और भी आगे के लिए इनको बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन आर्थिक मदद हमारे समाज से जितनी मिलती रहती है हम उतना बच्चों के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये इसके लिए 10 साल हो गए। आज बसंत पंचमी के पावन उत्सव पर विद्यालय में हवन किया गया, इसमें चीफ गेस्ट के रूप में हमारी मोनी कुमारी के हस्बैंड यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में पधारे हैं और इन्होंने यहाँ की बच्चों की दशा देख करके, बच्चों की स्थिति देख करके बड़ा खुश हुए और इन्होंने ये वादा किया कि यदि हमारा यहाँ से हमें कामयाबी मिलती है और हम आगे के लिए विद्यालय के लिए हम इनके आर्थिक मदद भी करेंगे और बच्चों के खान पान की सारी सुविधा हम विद्यालय को कराएंगे। ये